यूबीएचयू में जो बच्चियों के साथ जिस तरीके का मिसबिहेव किया है, जो नाम आ रहा है, वो विद्यार्थी परिषद के लोग हैं, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आरएसएस के लोग जो दुख की घड़ी में हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सबके साथ खड़े हैं। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बीएचयू की घटना के लिए वीएचपी को जिम्मेदार बताया। बोले, यूपी में आरएसएस के दफ्तर बन गए हैं विश्वविद्यालय। वहीं समाजवादी पार्टी के 65 सीटों पर चुनाव लड़ने के सवाल पर अपने किरकिरी के डर से अजय राय फूक फूक कर कदम रखते नजर आए। बीएचयू में हुई छेड़खाने की घटना को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इसको लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विश्वविद्यालय को भाजपा ने आरएसएस का ऑफिस बना दिया है। प्रयागराज में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इसका सीधा आरोप हिंदू संगठनों पर लगाया और कहा कि इस घटना के पीछे विद्यार्थी परिषद के लोग शामिल हैं। जांच में भी ये बात निकल कर आई है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष सत्ताधारी दल को घेरते हुए बोले, भाजपा में भाजपा के मंत्रियों तक की सुनवाई नहीं हो रही है। निश्चित तौर से उनको तत्काल उनको गिरफ्तार करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, और जितने भी आरएसएस और विद्यार्थी परिषद लोग कैंपस के अंदर इस तरीके का माहौल बना रखे हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो, उनको तत्काल विश्वविद्यालय से बाहर खदेड़ा जाए। समाजवादी पार्टी के 65 सीटों पर चुनाव लड़ने के सवाल पर अपनी किरकिरी के डर से अजय राय फूक फूक कर कदम रखते नजर आए। उन्होंने कहा कि कौन पार्टी कितने सीट पर लड़ेगी, ये इंडिया गठबंधन तय करेगा। अभी हमारा फोकस अपनी पार्टी पर है, वही कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को सक्रिय करने पर है। कि हम अपना काम कर रहे हैं और अपने तरीके से हम लोग आगे काम कर रहे हैं। प्रयागराज मेरा सौभाग्य है कि प्रयागराज में बार बार आने का अवसर मिलता है। प्रयागराज की इस पवित्र धरती को मैं प्रणाम करता हूं और निश्चित तौर से काशी का रहने वाला हूं, और प्रयागराज तो निश्चित तौर से एक दूसरे के स्थान, दोनों धार्मिक स्थान, पवित्र स्थान, और हम सब लोग अपने चुनाव में लगे हैं, काम कर रहे हैं। मैं अपनी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर दौड़ा कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, सबको जुड़ने का काम कर रहा हूँ। तैयारियाँ किस तरीके की है? तैयारी जबरदस्त है। आप देखिए, आज हम जा रहे हैं भैरव मिश्रा जी के यहाँ, जो भाजपा के पूर्व सांसद थे, जो अपने बच्चे की जान भाजपा के लोग नहीं बचा पाए उनकी, तो वहाँ शोक संवेदना प्रकट करेंगे। और जो आज पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, जैसा मुझे पता चला कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने फ़ोन करके पीजीआई के डायरेक्टर और पीजीआई के डॉक्टरों से बोला था, उसके बाद भी उनके बच्चे को बेड नहीं मिला और उनका बच्चा तड़प तड़प के मर गया। तो हम निश्चित तौर से आज जा रहे हैं, शोक संवेदनाएं प्रकट करेंगे और उनके दुख में शामिल होंगे। वाराणसी से चित्रकूट जाते समय कुछ देर के लिए संगम नगरी में सरदार पटेल संस्थान के सामने रुके और कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से भी मिले। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी बड़ा हमला बोला। मुसलमान होने के लिए मैंने नहीं बोला है, ये उनके जिस दल में उन लोगों ने बोला है। मैंने ये कहा कि जो व्यक्ति कष्ट में होगा, दिक्कत में होगा, परेशानी में होगा, उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी। मुसलमानों का आपने कहा कि पुराना घर है कांग्रेस पार्टी। आपने ये कहा कि पुराना जो घर है, ये बात मैंने कहा था। निश्चित तौर से हमारे यहाँ जो भी हमारे साथ जब भी रहे हैं मुसलमान भाई, हमारे साथ खड़े रहे, कभी उनके ऊपर अत्याचार अन्याय नहीं होने दिया हम लोगों ने, उनके साथ हम खड़े थे और रहे। लोकसभा चुनाव में जोड़ने के निश्चित तौर से सभी लोग हमारे लोग लगे हैं। हम जहां पर भी अभी आप देखिए सभी वरिष्ठ लोग आज हमारे साथ खड़े हो रहे हैं, हमारे साथ आ रहे हैं। आजम खान से मिलने जाने पर, लेकिन आजम से उनके ना मिलने पर उनका कहना है कि वो उनसे मिलने इसलिए नहीं गए थे कि वो मुसलमान, बल्कि इसलिए गए थे कि कांग्रेस हमेशा से सरकार के सताए लोगों के साथ खड़ी रही है। कांग्रेस की जब भी सरकार बनी, केंद्र में या प्रदेश में मुसलमान के साथ कभी अन्याय नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी